जरा सोचिए, आप ट्रेन में अकेली सफर कर रही हैं और इस दौरान कोई मनचला आपको छेड़ने की कोशिश करे, आपके साथ बदतमीजी करे। उसी दौरान अगर कोई पुलिस वाला वहां पर आ जाए तो ऐसा लगता है कि चलो अब हम सुरक्षित हैं। पुलिस वाले से शिकायत करके आरोपी को जेल भेज सकते हैं। लेकिन क्या हो जब वही पुलिस वाला अश्लील हरकत करने पर उतारू हो जाए? फिर तो चलती ट्रेन में शिकायत करें तो किससे करें? ऐसा ही एक मामला सामने आया है अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, जहां पर 29 साल की एक लड़की के साथ एक पुलिस वाले ने ही छेड़छाड़ जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया है। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा यह व्यक्ति वही पुलिस वाला है। इसका नाम है उमाकांत पांडे। अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर लड़की के साथ बदतमीजी करने वाला उमाकांत पांडे रायपुर के माना स्थित वीआईपी बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल सरगुजा की रहने वाली एक लड़की अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन से रायपुर जा रही थी, तभी बैकुंठपुर स्टेशन पर उमाकांत पांडे ट्रेन में चढ़ गया और लड़की के बगल में बैठ गया। लड़की का कहना है कि वो B1 बोगी में बैठी थी, उमाकांत आकर मेरे बगल में ही बैठ गया। वो बार बार अपनी सीट से उठ रहा था, इस दौरान उसने मेरी कमर को टच किया। मैंने अनदेखा कर दिया कि ये शायद एक गलती है। हालांकि इस दौरान मैं काफी डरी हुई थी। तभी उमाकांत पांडे फोन पर किसी से अश्लील बातें करने लगा। उसकी अश्लील बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। लड़की ने बताया कि मैं अपनी सीट पर मुंह फेर कर सो रही थी। उमाकांत ने मेरे कंधे पर हाथ फेरा, मैं पलटी तो वो सोने की एक्टिंग करने लगा, फिर मेरे कंबल को हटाकर मेरे कमर को हाथ लगाया। मैंने जब इसका विरोध किया तो वो मुझसे गंदी बातें करने लगा। इसके बाद उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को टच किया और मुझे दिखाकर अश्लील हरकत करने लगा। उमाकांत की इस हरकत के बाद मैंने ट्रेन में RPF जवानों से उसकी शिकायत की, जिसके बाद उसे अनूपपुर में उतार दिया गया। रायपुर पहुंचने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में उमाकांत के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन हरकत में आई और VIP बटालियन जाकर उमाकांत पांडे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उमाकांत पांडे ने खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिसकर्मी होने की धौंस दिखाई, लेकिन पुलिस ने उसकी सारी हेकड़ी वहीं पर निकाल दी और उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अब उसे जेल भेज दिया गया है। उमाकांत पांडे की इन करतूतों की वजह से पुलिस की वर्दी तो दागदार हुई ही, साथ ही उसने अपनी हरकतों से महिला सुरक्षा को भी आईना दिखा दिया कि महिला सुरक्षा किस कदर खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट।